अबे पप्पू, अगर ये डायरेक्टर पैकअप कर दिस ना और वही सब हवेली पहुंच गए, तुम ये समझो कि हमारी पिक्चर तो रिलीज हो से पहले फ्लॉप हुई जाएगी। क्या करें, डायरेक्टर को किडनैप करा लें क्या? भैया डायरेक्टर है, 100 नखरे होते हैं उसके। डायरेक्टर साहब सर नमस्ते। सर बैठिए सर, बैठिए सर। बिट्टू भैया, इनके भरोसे हमको दिलवाओगे तो ऑस्कर है? तुम तो कह रहे थे लखनऊ में टैलेंट भरा पड़ा है। हमें मेरे भाई भाई, आप पुराने डायरेक्टर हो यार, ये सब लौंडे नए एक्टर हैं यार, अब नए परिंदे का उड़ने में तो टाइम लगता ही है भाई जी यार। चलो ये जो है नए परिंदे हैं, तुम तो पुराने चावल हो, तुम्हें क्या हो गया मुंबई रिटर्न? ऐसा है, तुम आज हमारा टिकट कटवा दो, आज नहीं बल्कि अभी कटवा दो। भैया नमस्ते। भैया एक बम्बई की फ्लाइट करा दो। का फ्लाइट की हड़ताल है तो ट्रेन करा दो, ट्रेन की भी हड़ताल है तो बस करा दो, बसों की हड़ताल है। ऐसा है कि एक महीना की ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है, अब अगर चाहो तो साइकिल से चले जाओ, लेकिन फिर ये ना कहो कि बिट्टू भैया बताओ नहीं रास्ता में गड्ढा बहुत रहा है, अलाइनमेंट आउट हुई जाए फिर लंगड़ा लंगड़ा चलियो। अरे भाई अब इन्हीं का देखो, दही समझ के फेंटो और इसी में निकालो मक्खन और इसी में निकालो मट्ठा। अरे अजीब जबरदस्ती है, है? भैया मक्खन जो है वो दही फेंटने से निकलता है समझे, छाछ फेंटने से नहीं, और ये सारे के सारे छाछ है छाछ, कितना भी फेंट लो निकले कुछ नहीं। हम जा रहे हैं। अबे भाई एक बात दिमाग खोल के सुन लो, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ थोड़ा मारते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद फिर गिरा गिरा के मारते हैं। इसलिए इतनी देर से तुमका समझा रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में नहीं चढ़ रहा। अबे चल निकल, कल शूटिंग में मिलना। ये बात चच्चू। अबे मान ही नहीं रहा, इतनी देर से लबरा रहा, सीधी बातें नहीं है का समझ में आ रही। कैमरे के आगे भले कितने घटिया एक्टर लेकिन कैमरे के पीछे भाई वाह। अबे कोई एक्टिंग पैक्टिंग नहीं कर रहे हैं, सही में एक महीना की हड़ताल है ट्रांसपोर्ट की। क्या बात कर रहे हो चच्चू? अब मोबाइल निकालो और कल के ऑडिशन की तैयारी करो। अबे मिश्रा मिर्जा, अब तुम हमका ना झेल पाइयो, अब हवेली एक बार हमारे नाम हुई जाए फिर हम भी चार धाम की यात्रा में निकले और अपने पाप धोएं। इंसाफ के इस मुकद्दस तराजू की कसम, तुम अकबर से जिंदगी में जो एक बार मांगोगी अता किया जाएगा। क्या हुआ, अच्छा नहीं किया क्या? अरे इतनी तैयारी तो कोई अपनी शादी में भी नहीं करता जितनी कि आप मुए उस फिल्म के ऑडिशन के लिए कर रहे हैं। एक बात बताएं, हर बात का एक वक्त होता है, अब ये कोई उम्र है इस तरह की फालतू रंगबाजी करने की? अरे क्या बात कर रही हो बड़ी भी है? अरे भला सीखने और पढ़ने की कोई उम्र होती है? अरे ठीक है भाई, जवानी में हम हीरो का रोल नहीं कर सके, अरे नहीं कर सके तो नहीं कर सके, लेकिन बुढ़ापे में हीरो के बाप का रोल तो कर सकते हैं। दादाजी हमने आपके लिए मुगले आजम फिल्म के डायलॉग इसमें उतार लिए हैं। अरे शाबाश बेटा। और हाँ, इसे थोड़ी मोटी आवाज में बोलिएगा, लगना चाहिए कि आप ही हैं असली मुगले आजम। जलीम गुस्ताख, दूर हो जा हमारी नजरों के सामने से। अरे मासूम, संभाल के आराम से, आराम से। एक काम करते हैं, इसमें आप अनारकली का डायलॉग पढ़िए देख के, और मैं अकबर का डायलॉग पढ़ता हूँ, ठीक है? और अगर ऐसा ना हुआ तो सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और अनारकली हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। शहंशाह की तमाम बख्शीशों के बदले ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है। वाह बहुत बढ़िया। सीन टू शॉट टू टेक 15 एंड एक्शन शुरू। तुम
तुमने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तो मैं या तो ये सारी दौलत या इन कनीजों में से किसी एक को चिन्ना होगा। सुन रहे हो कि नहीं? ना ना ना, यही तो दिक्कत है बाबूजी कि इन दोनों में से हमें किसी एक को चुनना है। ना ना ना, लो फिर और सुन लो। अरे यहाँ तो सभी जानते हैं कि सर्वगुण संपन्न कौन है, तो बस चुन लो हमको। हाँ हाँ हाँ। मियाँ एक बार समझ लीजिए, अगर आपने किसी के भी दबाव में आके ऐसा वैसा कुछ किया ना, तो हम चले जाएंगे अपने अब्बा के अमीनाबाद। ना ना ना, हम अपनी इन दोनों बेटियों को हवेली में दफन होने नहीं देंगे। अरे हम मजनू है दादी, तुम्हारी इतनी औकात कि मेरे मोहब्बत के रास्ते में कांटे बिछाओगे, उससे पहले उस रास्ते में तुम्हें हम फरसा लिए खड़े मिलेंगे। कट कट कट, अरे ये सब क्या हो रहा है? आप लोग भी स्क्रिप्ट छोड़ करके घर घर खेलने लग गए यार। अब बिट्टू भैया, तुम तो बड़ा एक्टर होने का दावा करते थे, एक डायलॉग तो ठीक से याद नहीं हो रहा है। सर, हम समझा के आते हैं सर। हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपको एक्टिंग नहीं आती है, उड़ा गए हैं आप। एक्टिंग नहीं होगी क्या मतलब बे? कम बोला करने, उठा पटक देंगे भी तुझको। हे मिस्टर कपूर, अभी से बात करना, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हम। वेंगली नीचे कर। असिस्टेंट डायरेक्टर घूम रहा, तेरे जैसे 20 असिस्टेंट डायरेक्टर हमका चाय परसाला करावत हैं, देखन टाम मारेंगे ना भी। कुछ भी कहो पप्पू भैया, बिट्टू जी को आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाँ सही बात है। बताओ, हवा में हाथ उठा के कंटाप भले ना मारा हो, लेकिन इज्जत तो पूरी चली गई ना। अरे इससे अच्छा होता कि बंद कमरे में ले जाकर दो चार रसीद देते। अरे बिट्टू जी होंगे नेता अपनी पार्टी के, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। हम तो पहले ही कह रहा है, अगर एक शब्द और बोले हो तो मारे मारे कंटाप के सही कर दे। वो तो डायरेक्टर पैकअप बोल दी, नहीं यार लाल मुंह लिए घूमत हुई। लो फिर और सुन लो। अरे भाई, इतना सारा इंतजाम करके बिट्टू भैया हम सबको यहाँ तक लेकर आए, अरे कौन करता है आजकल किसी के लिए? कुछ लोग तो अपनी सास को चाय तक नहीं दे पाते टाइम से। अब इतना प्रेशर रहेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। देखिए बिट्टू भैया, हमें ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हमारे मरहूम अब्बा जान कहा करते थे कि अगर बड़ा आदमी एक दो लगा भी देना तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होता है। बड़े हुए तो क्या हुआ, बड़े तो हम भी इनसे, तो क्या इनको ले जाके दो चार रसीद दें, इज्जत बढ़ जाएगी इनकी। हम नहीं धर देंगे तुम्हारे ऊपर। ए फालतू बात, तुम लोग रायता समेटने आए फैलाने हैं? बच्चन भैया, छिछोरेपन में ही सही, लेकिन ये दोनों लौंडे बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने बिट्टू कपूर को अपना बड़ा भाई माना। भाई नहीं, बाप है ना उनके। आज उनका मित्ता पीटित ना कि दोबारा हमका देख के भागत। अरे बिट्टू भाईजान, आपका दिल तो इतना बड़ा है, आप उन्हें माफ भी कर दीजिए ना। माफी मांगना और माफ करना बिट्टू कपूर के स्वभाव में नहीं है। देखिए बिट्टू मियाँ, हमें आपकी बात पे कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभी बड़े से बड़ा पहलवान सिर्फ खड़ा रह जाता है और एक टिड्डी सा पहलवान पूरा दंगल जीत के ले जाता है। अगर ये पप्पू ने ऐसा कुछ कर दिया तो कुछ बहुत कुछ बल्कि सब कुछ। इस पांचवी पास बिट्टू कपूर को अगर हमने छठी का दूध याद ना दिलाया ना तो कहना। आदमी तो हमको भी बहुत चीमड़ लगता है, वो तो हम शांति दीदी की वजह चुप हैं, वरना उससे बढ़िया एक्टर हैं हम। डायरेक्टर उसका दोस्त है ना, तभी हमसे सौतेला व्यवहार करता है। सड़क छाप आदमी को इज्जत रास नहीं आती, लेकिन अब देखना ऐसा जाल बुनेंगे कि बिट्टू कपूर उलझ के रह जाएंगे उसमें। अब तुम लोग अपना बैग पैक कर लो, कभी भी निकलना पड़ सकता है। कहाँ? बम्बई। आए अब वो क्या है बिट्टू भैया कि डायरेक्टर जो है वो भी इंसान ही होता है, भगवान तो होता नहीं है। अब इंसान से ही गलती होती है, कभी कभी जौहरी जो है वो भी असली हीरे को नहीं पहचान पाता। अब हर आदमी में हर एक टैलेंट तो होता नहीं है, तो बस आपके टैलेंट को पहचानने में हमें थोड़ा समय लग गया। सही पकड़े हो भाई, हम सोच रहे रान कहीं ना कहीं गलती हुई रही, खाम खाई पप्पू पांडे को लपड़िया देते। रगड़ेंगे तो अब हम आपको, राजनीति क्या होती है अब हम सिखाएंगे आपको।
जाल बिछा दिया है हमने, बस आपका फंसना बाकी है। अरे भाई हम भी सोच रहे थे, अरे चच्चू से गलती कहाँ हो रही, वन टेक आर्टिस्ट है। उस सहिंसा पिक्चर देखी आपने? सहिंसा यही तो करने वाले थे। सही सही, कभी बताया नहीं आपने। आप बच्चन जी एक काम करो, आप जो है अपनी स्क्रिप्ट वो बिट्टू जी को दे दो। सर बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, हमारा रोल जो है आप बिट्टू जी को दे रहे हैं। देखो ऐसा है बच्चन, ज्यादा बड़े एक्टर ना बनो, तुमसे ज्यादा जानते हैं डायरेक्टर साहब, जितना कहना है उतना करो। तुमको जो रोल मिला है ना वो है चैलेंजिंग, अब तुम्हारा रोल करेंगे बिट्टू भैया। बिट्टू भैया का रोल करोगे तुम, करके दिखाओ। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, आओ ट्राई करो। ठीक है एंड एक्शन। आज तुम्हें अपनी मोहब्बत और करोड़ों की जायदाद में से किसी को चुनना होगा। आए, तुम्हें मेरी लाश को नांग कर फांद कर तड़क कर उस लड़की का हाथ थामना होगा, क्योंकि इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया और डूब के जाना है। आए रामू काका, हमारी बंदूक ले आइए, आज फैसला होकर रहेगा। जी मालिक। वाह चच्चू वाह, अभी गजब। जी मालिक, अब बोले हो दर्द देखो जी मालिक में है, एकदम रोंगटे खड़े हो गए भैया, रोंगटे हमारे भी खड़े हो गए। क्या बात है, मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री को नया सितारा मिल रहा है। हाँ टैलेंट है लेकिन कबाउन घमंड नहीं की, घमंड करने जैसी बात है भी नहीं। का मतलब? मतलब कि आपका रोल बिल्कुल पक्का फाइनल। बताओ हीरा सामने था और हम जो है कि चमक को पहचान नहीं पा रहे थे। एक बात बताएं, डायरेक्टर को किसने बुलाया और शूटिंग का सारा खर्चा कौन उठा रहा है? अरे पप्पू भैया, सबको पता है ये सब बिट्टू जी का किया धरा है। अब एक बात अच्छे से समझ लो, हम आपके साथ हैं। बिट्टू कपूर के साथ होने का तो खाली दिखावा कर रहे हैं बस। ठीक, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन हमारा भी एक वादा है आपसे कि अगर फिल्म में रोल मिल गया ना तो बिट्टू कपूर को तो अपना नौकर बना के रखेंगे। वाह वाह, मेरे लाल मेरे पीले मेरे नीले, बिट्टू कपूर के साथ 10 साल से हम हैं और 10% नहीं समझ पाए उसको। आपका 10% वाला ज्ञान क्या कहता है कि बिट्टू जी रोल चेंज होने देंगे? हमको ऐसा लगता है कि अभी वो डायरेक्टर से लड़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आप चिंता ना करो, हम आपका पूरा साथ देंगे। अरे बिट्टू भैया, रोल जो है वो रोल होता है। बैठो बिट्टू भैया, आप भी जानते हो छत जहाँ कमजोर होती है सपोर्ट वही तो दिया जाता है। आपको ये चैलेंजिंग रोल दिया ही इस वजह से कि आप ही हो जिसमें जान डाल सकते हो। अबे भाई, आदमियों की बैल दोस्त ना होते हो ना, अब तक उठवा के कुआं फिकवा दिया होता। अबे जान डालने के लिए कुछ तो हो चाहिए। जी मालिक जी मालिक जी मालिक। अरे बिट्टू भैया, आप डेप्थ देखो डायलॉग की। हा? गहराई। आपने शोले तो देखी होगी, उसमें जो है वो गब्बर सिंह ने क्या पूछा था कालिया से? क्या पूछी सर? कितने आदमी थे? कालिया ने क्या जवाब दिया? सरदार दो। अब गब्बर किसको याद है, लेकिन कालिया वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। फिर क्या, आप भी ये जी मालिक बोल करके बस यूं समझिए कि इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएंगे। सुनो बे डायरेक्टर, ये मीठी गोली किसी और को देना, हम ओरिजिनल लाइफ में भी गुंडे हैं, ऐसा ना हो तुम्हारे चक्कर में हाफ सेंचुरी पूरी हो जाए मुकदमों की। अरे बिट्टू भैया, इतना खर्चा हो गया है, अब अगर आप ये जो है तोते की तरह रटते रहे ना तो ये फिल्म बनने से पहले ही बंद हो जाएगी। सुन बे दहिने साइड के तबले, अभी तक का दोस्ताना बात हुई रही थी, अब बिट्टू बोलिए डायरेक्टर सुनी। जी भैया। हमका जितनी फिल्म का सन्नी देओल समझो, मतलब हटी सरकार। अब इस पिक्चर में करेंगे तो हम अपनी पसंद का रोल, और तुमका का करेगा ये तुम सोच लो।
क्यों शांति भाभी, आपको मुश्किल लग रहा होगा ना ऐसे शूटिंग करना? कुछ खास मुश्किल नहीं, हाँ माहौल थोड़ा नया है तो थोड़ी बहुत मुश्किल तो आएगी। नहीं वैसे हमारा मतलब था आपकी पहली शूटिंग है ना, थोड़ी तो दिक्कत आ रही होगी। अपना अनुभव बता रही हो क्या हमें? अब हमारे लिए तो ये साधारण सी बात है। भाभी हमारा क्या है, हम तो घर गृहस्थी के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पाए, नहीं तो हमारी एक्टिंग के टैलेंट के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी एक्टिंग अच्छी और किसकी नहीं। वैसे तुमको याद होगा वो जो मोबाइल में वीडियो बनाती थी ना, हम ही से सलाह लेती थी तुम। वैसे अब लग तो नहीं रहा है कि पता चल पाएगा, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं ना ये बिट्टू भैया बहुत नाराज हैं, अब ये शूटिंग का पैकअप करवा के ही मानेंगे। हाय अल्लाह, भाभी आप ये क्या कह रही हैं, खुदा ना करे ऐसा हो। इतनी मुश्किल से हम घर से बाहर आए हैं, इतना बड़ा मौका मिला है, शूटिंग बंद हो गई तो फिर से हमें चार दीवारी में कैद होना पड़ेगा, जो हम कभी नहीं चाहते। वैसे हमारा सिलेक्शन तो कहीं भी हो जाएगा, हमने तो बहुत थिएटर किया है ना, तो कहीं भी ऑडिशन दे देंगे। अच्छा वैसे हमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, शूटिंग कल की बंद होती आज बंद हो जाए। आई बड़ी, डायरेक्टर को धमकाया है? अबे धमका नहीं है, उनका हिंदी में समझाया है कि ये उत्तर प्रदेश है, यानी बिट्टू भैया की इच्छा के बगैर साबुन भी झाग नहीं छोड़ता है। अब रोल करब तो हम अपनी पसंद का करब, नहीं तो शूटिंग बंद कर दो। एक बात पूछे? पूछो। इस शूटिंग का इतना तामझाम काहे फैलाए थे? हैं? इसीलिए तो फैलाए थे ना कि मिश्रा मिर्जा परिवार यहाँ एक महीने तक शूटिंग में फंस सके, ताकि वहाँ बाहुबली हवेली खाली करवा के माल बनवा सके। अबे माल नहीं कार्यालय, बन सके क्या होता है, बनेगा। ऐसे बनेगा? डायरेक्टर से लड़ाए हो, अब वो शूटिंग बंद कर देगा और मिश्रा मिर्जा दोनों परिवार चले जाएंगे हवेली के अंदर, ऐसे बनेगा कार्यालय? चांदी के चम्मच से चच्चू की चटनी चटा दी है, अब फंस गए जाल में। अब मुंह से भले कुछ ना बोलें, लेकिन अब करेंगे नौकर वाला ही रोल। अम्मा ये क्या बात हुई बिट्टू मियां, आप जैसे होनहार कलाकार को नौकर का रोल दे दिया, और उस दो कौड़ी के बच्चन को जिसने जिंदगी में सिर्फ कड़ाई और चमचा चलाया है उसको मेन विलन का रोल दे दिया। पर देखिए मियां, आप जैसे मुंबई रिटर्न एक्टर को करना क्या है, सिर्फ जी मालिक बोलना है। लाहौल मिला कुवत। मिर्जा रोल खास नहीं होता है, खास होता है उसको करने वाला। मियां बड़े भोले हैं, दरअसल सोशल वर्क करते करते आपके अंदर इंसानियत कूट कूट के भर गई है। अमा मियां लेकिन बाकी दुनिया तो मक्कार है। शोले पिक्चर देखे हो कभी? पूरी पिक्चर एक ही डायलॉग पर चली है। जब कालिया बोलता है सरदार दो। अमा मियां हमने भी शोले अपने अब्बा के गले से पैसे चुरा चुरा के 17 बार देखी है, और शोले सिर्फ एक ही डायलॉग पर चली थी जब गब्बर बोलता है कितने आदमी थे उस पे। टोपा का बे, गब्बर का कोई पूछ भी रहा है? पूरी पिक्चर कालिया जी की दम पे चली है। अमा देखिए मियां ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं वो शायद आप नहीं देख पा रहे। अमा ये मिश्रा जी का साला आपका रोल छीन के ले गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसका नाम बच्चन है। मियां हमें तो लगता है कि कहीं कोई झोल है। अबे मिर्जा तुम भी सड़क पे पड़ी हुई हर पीली चीज को सोना समझ के उठा लेते हो, फिर हाथ धोते घूमते हो। पहली चीज तो ये मिश्रा का सगा साला नहीं है, और दूसरी चीज अपने नाम के पीछे खान लगा दे से कोई सलमान खान नहीं जाते, और तीसरी चीज नाम बच्चन रख ले से ना कोई ऐश्वर्या राय का ससुर नहीं जाता है, और मेन बात चोर ऐसा तो बना है बे। देखिए मियां अभी आपने अपने मुंह से खुद कबूल किया कि उसकी शक्ल चोर जैसी है, और उसको मिलन करो। सोचिए मियां सोचिए। मैं पगला गया का
अबे मियाँ सोचे का यहू तो बताओ। अम्मा मियाँ यही सोचिए कि चोर की शक्ल वाले को मेन रोल दे दिया, वो भी आपका। सीधे सीधे भेदभाव है कि नहीं? अबे तुमने आज अपने दो कौड़ी के मुंह से 100 कौड़ी की बात कर दी। अब हमें समझ में आया खेल क्या चल रहा है। लेकिन मियाँ अभी तक आपको ये नहीं पता कि ये खेल करवा कौन रहा है। ये मिश्रा का साला बच्चन। लेकिन उसकी कोई औकात नहीं है, ये तो आपके दो कौड़ी पे पलने वाले उस पप्पू पांडे का किया धरा है। हाँ, उसी ने तो करवाया ये सब। अबे मिर्जा आज तुमने हमारी आंखें खोल दी, अब टैलेंट पैलेंट गवा तेल ले, अब बात इज्जत की हुई गई, अब हम नहीं तो कोई नहीं। बिल्कुल सही बिट्टू मियां, बिल्कुल सही। अब या तो विलन का रोल करेंगे बिट्टू कपूर और या उटिंग शूटिंग बंद। और उस पप्पू को ना अब बिट्टू कपूर से एक ही आदमी बचा सकता है, खुद बिट्टू कपूर। अब ऐसा जहर उगलेंगे तुम देखना।